लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाए जाने के बाद आरजेडी के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है, लेकिन लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने इससे निपटने की तैयारी कर ली है। इसलिए आज सजा सुनाए जाने से पहले ही उन्होंने और राबड़ी देवी ने आरजेडी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। सजा सुनाए जाने से पहले पटना में लालू यादव के घर पर आरजेडी की बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत सांसद, विधायक, पार्षद से लेकर जिला ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी एकजुट है, लालू जी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी ने जेल से एक चिट्ठी लिखी थी जिसे आज की बैठक में पढ़ा गया, उनका ये संदेश पूरे बिहार में पहुंचाएंगे। लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन्हें चुना वो आज कारागार में हैं और जिन्हें नहीं चुना वो चोर दरवाजे से सत्ता में बैठे हैं। बीजेपी के लोग, खासकर नीतीश कुमार को सर्वाधिक डर था। फिर पता नहीं क्या कारण था, क्या हुआ, डर था, लालच था, किन कारणवश से बीजेपी को वापस आना पड़ा। तो ये सारी भूमिका जो है नीतीश कुमार और बीजेपी द्वारा रचाई गई है, जिसका जितना भी लोग षड्यंत्र रच रहे, जनता में, बिहार की जनता, देश की जनता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लालू यादव को सजा होने के बाद तेजस्वी का गुस्सा फूटना लाजिमी है, लेकिन ये भी सच है कि लालू की सजा का आरजेडी पर फर्क तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं और वही पार्टी के फैसले लेते हैं। तो अब देखना होगा कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान कौन संभालता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।